आप कांग्रेस के स्थानीय नेता भी हैं और कांग्रेस की स्थिति अगर मुंबई में देखें तो राज्य में सत्तारूढ़ होने के बावजूद भी कांग्रेस उतनी मजबूती के साथ उभर नहीं पा रही है। किस तरह से इसे बढ़ाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? देखिए, मैं प्रवक्ता था, मैं इंटक का अध्यक्ष हूँ, कामगारों के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। मैं निरुल ब्लॉक कांग्रेस का भी अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष हैं आप? मैं वार्ड अध्यक्ष से लेके अब तक मैं निरुल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, नवी मुंबई यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष था। मैं कांग्रेस से पहले से काम करते आ रहा हूँ। आप अगर देखें तो हमारा निरुल में हमारा ऑफिस जो है, जो लोगों के बीच में ऑफिस है। आप कभी आए तो देखिए भीड़ कितनी होती है। हम लोग वहाँ पे जो भी मतदार है वो घरेलू कामगार हो, रिक्शा कामगार हो, नाका कामगार हो, वहाँ के कोई भी, हमारे यहाँ पे BST के वर्कर ज़्यादा है, वो सर्वसामान्य क्षेत्र के लोग भी वहाँ पे आए तभी हम उनके काम करते हैं। हमारा ऑफिस कंटिन्यू चालू है, लोगों से जुड़े हुए, हम अभी भी जुड़े हुए हैं। लोगों को हर हर सुविधा देने का काम हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। हमारा हमारा यही ध्येय है कि कांग्रेस पार्टी घर घर में पहुंचे, लोगों को कुछ ना समस्या, जो भी समस्या हो, अगर कांग्रेस ऑफिस में हमारे कार्यालय में आते हैं तो हम वो छुड़ाने का काम हम तुरंत कर देते हैं। नहीं, लेकिन आप तो चलो नेरुल में आप कर रहे हैं, लेकिन आपके जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, चाहे वो संतोष सेठी को देख लीजिए, रमाकांत मात्रे को देख लीजिए, आपके जो जिलाध्यक्ष हैं, आपका इतना बड़ा पार्टी का कार्यालय है, वहां तो लोग नहीं जाते। लोगों का जो जो एक नारा था कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। देखिए, जिलाध्यक्ष भी हमारे काम कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष भी हमारे काम कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष भी कांग्रेस ऑफिस में रहते हैं, जिलाध्यक्ष पूरे न्यू बॉम्बे के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। आज BJP सरकार ने ही माहौल ही ऐसा कांग्रेस के खिलाफ किया है, तो कांग्रेस माहौल की वजह से लोग ऐसे बेचैन हो गए। मैं नेरुल तालुका अध्यक्ष हूँ, नेरुल में हमारे एक नगर सेविका मीराताई पाटिल है, वो अच्छी काम कर रही है। संतोष शेट्टी जी है, उनका पहले से जनसंपर्क कार्यालय है, वो भी अच्छे काम करे। रमाकांत मात्रे साहब आयरेली विधानसभा में आते हैं, और उनके बारे में बोलने के लिए मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ कि वो खुद उपमहापौर हो गए, उनके घर में उपमहापौर है, तो वो तो उनका क्षेत्र ही अलग है। आप मुझे नेहरुल के बारे में बोलेंगे तो हमारे अन्ना जी हमें सहयोग करते, संतोष शेट्टी लोगों से जुड़े हुए, सबसे पहले पुराने लीडर संतोष शेट्टी है, कौशिक साहब का हमें हर बार सहयोग रहता है। हमें कुछ भी तकलीफ हुआ तो कौशिक साहब को हम कॉल करते, कौशिक साहब हमारे साथ में आके, कारपोरेशन हो या कोई भी शासकीय दालन हो, वहां पे मेरे साथ में कौशिक साहब हो, संतोष शेट्टी साहब हो, मीरा पाटिल हो, और आप पूरे वो हमें सहयोग कर दे, लोगों का समस्या हल करने के लिए हम लोग पूरे एक साथ में काम करते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।